7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है? इधर ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? डायग्राम दिया हुआ है, बुक नहीं लाया हो तो डायग्राम नोट कर लो। ए बी सी और डी, ऐसा साइन दिया हुआ है आपको, ठीक है? जब भी ऐसा दिया होगा मतलब क्या गिवन है आपको? ए डी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ये साइन का मतलब होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है? तो ए डी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। गिवन में लिखते जाओ, लास्ट में सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल होगा। और आपको एंगल है, देखो ये वाला ऐसा गिवन है, ये दोनों मतलब ये दोनों एंगल भी क्या है? इक्वल है। मतलब कौन कौन सा एंगल? सी एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है? ये आपको गिवन है। उसने बोल दिया था कि ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो एंगल ए, ये पूरा एंगल ए है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए, इसलिए हमने ये लिख दिया है। क्लियर है? गिवन समझ में आया? अब आपको प्रूफ करने बोला है। टू प्रूव, क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या गिवन है, है ना? प्रूफ करने को बोला है आपको। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है? ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है? ऊपर वाला। ए बी डी कौन सा ट्रायंगल है? नीचे वाला। इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का क्राइटेरिया मैं लिखवाया था, है ना? कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है? और RHS और एक AAS, ठीक है? क्या कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है? ट्रिपल एस होती है, है ना? SAS होता है, AAS होता है और RHS होता है, है ना? ये हमारे पास पांच, टोटल पांच क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ठीक है? उनका फुल फॉर्म भी बताया था, पीछे देख लो लिखे हो आप, ठीक है? अब उनका यूज करके हम क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना है हमको। प्रूफ करने के लिए यहां पे ध्यान से देखो, आपको तो इन ट्राइंगल कैसे लिखोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, जो प्रूफ करने बोला था वही दो ट्राइंगल लूंगा मैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, क्या क्या चीज इक्वल है हमको? इक्वल है एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये गिवन में हम लिख चुके हैं, तो ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा मैं? गिवन, ठीक है? ए डी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन में लिख चुका हूँ, तो बगल में क्या लिख दूंगा? गिवन। ये इंफॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है, कम से कम तीन चीज़ें चाहिए हमको, है ना? क्राइटेरिया क्या कहता है? कौन कौन से क्राइटेरिया है? ट्रिपल एस, एस ए एस, डबल ए एस, आर एच एस और ए एस ए, ये टोटल चार होते हैं। तो हमको या तो तीनों साइड होना चाहिए, या तो दो साइड एक एंगल इक्वल होना चाहिए, या तो दो एंगल एक साइड इक्वल होना चाहिए, या तो राइट साइड मतलब, राइट मतलब 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल होना चाहिए, या तो दो एंगल और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तो मैं कॉन्ग्रुएंट लिख दूंगा। अब हमको एक एंगल और एक साइड तो इक्वल मिल गया है, है ना? अब या तो मुझे एक साइड और इक्वल मिल जाए, और या तो मुझे कोई एक एंगल इक्वल मिल जाए। एंगल देखो मिल रहा है क्या इक्वल? ये एंगल इक्वल है क्या? लिख चुका हूँ, ये वाला एंगल इक्वल बोला है क्या उसने? नहीं बोला है, दिख भी नहीं रहा है। देख के तो हम बता ही नहीं सकते ज्योमेट्री में। जब तक आपको गिवन ना हो, बोला ना हो क्वेश्चन में, तब तक आप कोई भी चीज इक्वल नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर? तो ये एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल भी इक्वल नहीं है, तो एंगल यहाँ पे बची क्या कहानी? नहीं बची। देखो एक चीज वहां पे दिख रहा है, क्या? ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है ये वाली साइड। फिर खो गई बेटा,
ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों ट्राइंगल में ये वाला साइड आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी आएगा ए बी डी, इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी सी, ये वाला साइड दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, मतलब इसको क्या लिखूंगा मैं कॉमन, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कॉमन, इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब मुझे मिल गया साइड साइड एंगल मिल गया, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी, समझ में आया, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया, तो प्रूव्ड, क्लियर है, पता नहीं क्लियर है कि नहीं, इजी है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना इजी है। ये पांचों क्राइटेरिया में से हमको क्या करना है, कोई भी एक क्राइटेरिया यूज करना है और हमको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके लिख देना है। अब इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी, ये वाले साइड और ये वाले साइड, तो जब एक बार ध्यान से सुन लो, जब एक बार दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके बाद कॉन्ग्रेंट मतलब होता है दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तीनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हमने दो एंगल दो साइड और एक एंगल लेके सॉल्व किया है इसको, इसके बाद कौन कौन सी साइड बची, ये वाली साइड बची, ये वाली साइड बची, है ना, ये वाला एंगल बचा, ये वाला एंगल बचा, ये वाला एंगल बचा, ये वाला एंगल बचा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया है। तो अब मैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल के इक्वल लिख सकता हूँ, बी डी को इसलिए लिखोगे आप बी सी और बी डी के बारे में पूछ रहा है कि क्या बोलोगे आप, तो बी सी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी। अब ये सी पी सी टी क्या होता है, सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग मतलब बचे हुए जो पार्ट्स हैं उसकी, वो सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, उसका फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। Corresponding parts of congruent triangles. जब एक बार अगर आपका congruent triangle, दो triangle congruent proof हो गए, तो उसके बाद आप उसके क्या कर सकते हो, सारे sides, सारे angles को equal लिख सकते हो। Clear है, easy है, पक्का? चलो second question बना के बताओ, फिर easy है तो कितना समझ में आया अभी पता चलेगा ना। Question number two. बहुत ही अच्छा है टॉपिक है ये ट्राइंगल का। आपको इसमें बोला है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं बना देता हूँ। नहीं दिया रहेगा डायग्राम, तो आपको डायग्राम बनाना है बेटा। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है फोर साइडेड फिगर, ठीक है, आप लोगों ने सबने टेस्ट में रॉन्ग किया था। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, फोर साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम या स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होता है, उन सब की अपनी अपनी इंडिविजुअल डेफिनेशन है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कब बोलेंगे, जब ऑल साइड्स इक्वल हो और उसके हर एक एंगल 90 डिग्री हो। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कब बोलेंगे, जब उसके क्या हो, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो और क्या हो, इक्वल और पैरेलल हो और उनके सारे एंगल्स कितना हो, 90 डिग्री हो। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोलेंगे, जब उसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो बट 90 डिग्री ना हो, 90 डिग्री हो जाएगा तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा और 90 डिग्री नहीं होगा तो पैरेललोग्राम होगा। तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। तुम लोगों को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है तो कोई स्क्वायर बना के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, कोई कुछ बना के सॉल्व कर देता है, दिमाग लगाओ ना भाई। क्वाड्रिलेटरल मतलब आपको फोर साइडेड फिगर बनाना है टेढ़ा मेढ़ा, हाँ आप फ्री हो, आप कैसे भी बना सकते हो। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको पैरेललोग्राम ही बनाना है, यू आर फ्री।
तो ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसमें देखो ऐसा बनाया हुआ है, मतलब गिवन में क्या लिखूंगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, ऐसा बना हुआ है, ये एंगल ऐसा बना हुआ है, मतलब एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपसे बोल रहा है प्रूफ करना है आपको, फर्स्ट टू प्रूव ठीक है, टू प्रूव आपको प्रूफ करना है, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, सेकेंड आपको प्रूफ करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी, थर्ड आपको प्रूफ करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए, अभी एक क्वेश्चन बताया हूँ, सेम सॉल्व करना है, नहीं दो दूसरा दिन है आज, इसके पहले एंगल्स फाइंड आउट करना बताया था। बनाइए फटाफट, फर्स्ट आपको ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी प्रूफ करना है, लेट्स प्रूफ, हुआ कि नहीं हुआ, जब भी आपको जो प्रूफ करने बोलता है तो उस ट्रायंगल को आपको क्या करना है, इंडिविजुअली ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ए बी डी एंड बी ए सी प्रूफ करने बोला। देखो डायग्राम यहाँ पे देखो, ए बी डी कौन सा बन रहा है, ए बी डी ये ट्राइंगल बन रहा है, इसको मैं ऐसे अलग से बना लेता हूँ, दिस इज अवर ए बी एंड डी, क्लियर है, सेपरेट डायग्राम आपको बना देना है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी ए सी, बी ए सी ऐसे ही बन रहा है, आइया सोनो। अब दो ट्रायंगल बोल दिया, अब इसमें क्या क्या इक्वल है, इसमें आपको देखो बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है ना, एक साइड एक एंगल तो इक्वल गिवन में दे दिया है, वो आपने लिखा भी है, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या क्या चीज, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन में, है ना, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये भी गिवन, देखो कितने इजी क्वेश्चन है, दो चीज आपको दे ही देता है, अभी तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि तीनों चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा, अभी तो इजी इजी क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, कि दो चीज आपको दे दी है, थर्ड आप दिमाग लगाओ, बताओ क्या चीज इक्वल है, बी ए इज इक्वल टू बी ए कॉमन दिख रहा दोनों में, लिख दो बी ए इज इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं, क्या है दोनों में कॉमन साइड, फिर से क्या आंसर लगेगा, साइड एंगल साइड लगा दीजिए बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी, है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया हमारा, अब सेकेंड प्रूफ करना है, सेकेंड में क्या बोला है, बी डी इज इक्वल टू ए सी, अब ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए कैसे, कॉन्ग्रेंट, इसके बाद क्या हो सकता है, सारे चीजें इसके इक्वल हो जाएंगी, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, बाय सी पी सी टी, व्हाट इज द फुल फॉर्म, वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, हेंस प्रूव्ड, एक ही लाइन में आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड एंगल ए बी डी, ए बी डी देखो इसी में मिल रहा है क्या, ये वाला एंगल,
बी ए सी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यस और नो? कैसे? बाय सीपीसीटी रे चैंप्स, चैंपियन हो तुम लोग वहां कहीं में सीपीसीटी। अभी तो बताया कि दो ट्राइंगल अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो उसकी सारी चीजें आप इक्वल ही होगा भैया, लिख दो इक्वल बाय सीपीसीटी, कुछ करने दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब इन्हीं दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल मिल रहे हैं हमको, तो बाय सीपीसीटी से इक्वल ही लिखेंगे ना। नोट डाउन करिए जल्दी फटाफट, और थर्ड क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताइए। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यस ये और ये दोनों मिला के कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, दिमाग लगाइए कैसे बनेगा बताइए। यहाँ पे हमको प्रूफ करना था क्या, सी डी बाइसेक्स ए बी। सी डी जो है ये सी डी लाइन, ये किसको बाइसेक्ट कर रही है, ए बी को, ये वाली ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करना मतलब अभी बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट, टू इक्वल पार्ट्स। चलो इधर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सी डी बाइसेक्स ए बी, सी डी बाइसेक्स ए बी, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो हमको ये प्रूफ करना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल चैप्टर, इन चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल लेके सॉल्व करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी, यही दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को लिया, इसमें बताओ क्या क्या चीज इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन में, अब गिवन में लिख चुके हैं ना। नेक्स्ट 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री है ना, एंगल बी और एंगल ए दोनों ही क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो आप इसको एंगल बी नहीं लिखोगे, आप इसको सी बी ओ एंड डी ए ओ, ठीक है, दोनों ही क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। और अब दो चीज तो मिल गई, एक ही चीज और चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो कैसे दिख रहे हैं एक दूसरे के, वर्टिकली ऑपोजिट, तो वर्टिकली ऑपोजिट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंगल, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, बी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, बाय वो भी नहीं बता पा रहे यार, एंगल एंगल साइड, दो एंगल एक साइड है तो नहीं बता पा रहे,
या ए ऐसे भी लगा सकते हो आप, ठीक है, ए ऐसे भी लिख सकते हो। कौन सा लगाएंगे? देखो एंगल एंगल साइड ऐसा मिल रहा है कि एंगल साइड एंगल मिल रहा है, एंगल एंगल साइड मिल रहा है ना, तो क्या लिखूंगा? ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल है, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं हम सिक्स सेवन क्लास में, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं वो कॉन्ग्रुएंसी रूल है। तो कौन कौन सा ट्राइंगल हुआ? ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की क्राइटेरिया है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल, सारे रूल्स है। एंड ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, हमको क्या प्रूफ करना है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, मैं लिख सकता हूँ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाय बस खत्म हो गया। हैंड लिख दो, हैंड सी डी बाई सेक्स ए बी, आंसर कितना इजी था।